हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे एक कप गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा और बिल्कुल नया नाश्ता। इस तरह से अगर नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे के लिए टिफिन तैयार कर सकते हैं, हस्बैंड का टिफिन तैयार कर सकते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, डिनर हो, किसी भी वक्त खा सकते हैं। और इस तरह से बनाकर मेहमान को देंगे तो मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाया। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो क्यों ना इसे बनाया जाए। रेसिपी मेरी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस नाश्ते को बनाने के लिए लेना है एक कप गेहूं का आटा। एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे कुरकुरा बनाने के लिए डालेंगे आधा कप चावल का आटा, या फिर आप इसमें सूजी ऐड कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, तो ये छोटे वाले चम्मच से हैं। एक चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे अब गूंथ लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब गिलास में लेंगे पानी और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बना लेना है। एक बार में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मसल मसल कर गूंथ लिए हैं। आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिए हैं, 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लेंगे एक पीस उबला हुआ आलू, जिसके छिलके उतार लिए हैं और ये थोड़े बड़े साइज में है। और एक बाउल लेना है और एक ग्रेटर ले लेंगे और इसे बारीक कद्दूकस कर लेना है। तो आलू को आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे एक पीस बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये जो स्टफिंग बना रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से, बहुत ही चटपटा लगेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसमें डालेंगे एक चम्मच दरदरा कूटा हुआ हरी मिर्च और लहसुन। तो इसमें आप अपने तीखे के अनुसार हरी मिर्च डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, तो इसकी जगह पर आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों मिक्स करके ले रही हूँ, आधा आधा चम्मच नमक। जब भी डालेंगे अपने स्वाद अनुसार ही डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच डालेंगे गोलकी पाउडर और इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच डालेंगे मिक्सचर या दालमोठ, या फिर इसमें सेव भी डाल सकते हैं। और इस तरह से जब स्टफिंग बनाएंगे तो बहुत ही चटपटा लगेगा। तो यहाँ पर बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते भी डाल देते हैं और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो स्टफिंग बना रहे हैं बहुत ही नए तरीके से और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो आप इस तरीके से स्टफिंग एक बार ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब आटा भी हमारा तैयार है, 10 मिनट तक ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे, मसल मसल कर मिला लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसे मसल लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सूखा गेहूं का आटा और इस गूंथे हुए आटे की अब लोई बनानी है। तो इसकी जब लोई बनाएंगे तो छोटे या मीडियम साइज में ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी लोई नहीं बनानी है। तो इस तरह से देखिए एक कप गेहूं के आटे में बहुत सारे लोइयां बनकर तैयार हो गई हैं। एक लोई को हाथों में रख कर इसे थोड़ा सा मसल कर गोल कर लेंगे और यहाँ पर गोल करने के बाद थोड़ा सा इसे चपटा कर लेंगे। और यहाँ पर इसे अब थोड़ा फैला लेते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसे दोनों हाथों से थोड़ा फैला लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से टिकिया की तरह इसे बना लिए हैं। अब यहाँ पर लेंगे एक चकला और चकले के ऊपर इस लोई को रख कर बेलन से बेल लेना है। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज़ की पूड़ी के साइज़ में ही बनाएंगे। और इसे जब बनाएंगे तो हल्का सा मोटा ही रखेंगे। ये देखिए इसका मोटाई मैं दिखाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर दो लोई को अच्छी तरह से बेल लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा स्टफिंग भी तैयार है, तो एक चम्मच स्टफिंग को ले लेते हैं और इसके ऊपर रख देंगे, पूड़ी के ऊपर इस तरह से रख कर, और हाथों से इसे थोड़ा सा फैला लेंगे, इसे पूरा में नहीं फैलाएंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह खाली छोड़ दिए हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी कटोरी में पानी और उंगलियों से इस तरह से किनारे किनारे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और दूसरी बनी हुई पूड़ी के इसके ऊपर रख कर हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबा लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसे चिपका लेना है। अब हाथों में लेकर दूसरी तरफ भी पानी लगा लेंगे थोड़ा सा और बीच से दोनों को अलग कर लेंगे। दोनों पूड़ी जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ पर थोड़ा सा अलग कर लेंगे और दूसरे साइड में इसे मोड़ लेंगे उंगलियों के सहारे। देखिए एकदम कितना सुंदर डिजाइन ये बन रहे हैं। तो दोनों पूड़ी को अपोजिट साइड में मोड़ना है। यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं, एकदम आसानी से यह डिजाइन बनकर तैयार हो जाते हैं। तो खाने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन अच्छी तरीके से डेकोरेट करके अगर खाना मिले तो सभी को पसंद आता है। जिन्हें खाने को मन नहीं रहता है वो भी एकदम खाने के लिए
दौड़ पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनकर तैयार है, एकदम सूर्यमुखी की तरह लग रहे हैं ना। तो इसी तरह से सभी को बना लिए हैं। तो यहाँ पर चार पीस पहले बना लिए हैं। अब इसे बनाने के लिए कढ़ाही में तेल गरम करेंगे। यहाँ पर 400 ग्राम तक तेल है। तेल गरम होने के बाद अब इस नाश्ते को फ्राई करेंगे। एक कढ़ाही में जितने भी पीसेस आएंगे उतने को डाल देंगे। तो यहाँ पर 3 पीस आ रहे हैं, तो तीनों पीसों को डालकर गैस का फ्लेम मीडियम या लो कर देंगे। 4 मिनट तक एक तरफ फ्राई करेंगे, फिर इसे पलट देंगे और दोनों तरफ अच्छी तरह से उलट पुलट करके इसे फ्राई कर लेना है। धीमी आंच में बनाएंगे तो ये नाश्ता कुरकुरा भी बनेगा और अच्छी तरीके से ये पक भी जाएंगे, फ्राई भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से उलट पुलट करके सुनहरा कलर होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर हल्का सा इसका सुनहरा कलर होने लगा है, तब इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर सुनहरा कलर हो गया है, तो सभी नाश्ते को निकाल लेते हैं और इसी तेल में इसी कढ़ाही में बाकी बचे हुए नाश्ते को भी बना लेंगे। तो यहाँ पर सभी नाश्ते को बना लिए हैं और इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कटी हुई धनिया के पत्ते डाल दिए हैं ताकि देखने में ये खूबसूरत लगे। और इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। यहाँ पर मैंने पुदीने की चटनी और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। और ये देखिए कितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल नए डिजाइन में और बिल्कुल नए तरीके से, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। देखने में तो खूबसूरत लग रहे हैं और ऊपर से लगेंगे कुरकुरी और अंदर से चटपटा। तो इस नाश्ते को एक बार आप जरूर बनाएं, जिसे भी बनाकर खिलाएंगे वो तारीफ ही करेंगे और मेहमान को देंगे तो मेहमान भी पूछेंगे इसे कैसे बनाया। तो यहाँ पर इस नाश्ते को दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, कितने अच्छे तरीके से ये पके हुए हैं। तो इसकी स्टफिंग भी बिल्कुल नए तरीके से बनाया है और एकदम ऊपर से कुरकुरा लगेगा और अंदर से पूरा चटपटा। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर बनाएं। और यहाँ पर देखिए तोड़ कर दिखा रहे हैं कि एकदम अंदर तक अच्छी तरह से ये पके हुए हैं, और इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाएं। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।